सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कदीर यान एक और वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नोकिया 9 के बारे में, जो कि बहुत ही जल्द रिलीज होने जा रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नोकिया 9 की प्राइस, रिलीज डेट और स्पेक्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोकिया 9 की शेप के बारे में कि इस फोन का शेप किस तरह का होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता चलूं कि इस फोन का शेप जो है काफी हद तक मिलता जुलता होगा नोकिया के पिछले स्मार्टफोन से, जैसे कि नोकिया 6 या नोकिया 8। लेकिन दोस्तों नोकिया 9 की शेप में थोड़ी बहुत ही चेंजिंग की गई है, जैसे कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर आपको पहले फ्रंट पर मिलता था होम बटन के साथ, लेकिन अभी इसे फोन के बैक पर प्लेस कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस फोन के बैक पर आपको मिल जाता है डुअल कैमरा का सेटअप। और दोस्तों इस फोन की स्क्रीन की बात करें तो आपको इसमें मिलती है इन्फिनिटी एज डिस्प्ले। इसके अलावा दोस्तों आपको इस फोन में होम बटन नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस फोन के बॉटम और टॉप बेजल को बहुत ही कम किया गया है, बिल्कुल S8 और नोट 8 की तरह। अब बात कर लेते हैं नोकिया 9 के स्पेक्स की। तो दोस्तों नोकिया 9 में आपको मिल जाती है 5.5 इंच की क्वाड HD OLED डिस्प्ले, और नोकिया 9 की स्क्रीन रेजोल्यूशन 2560x1440 पिक्सल होगी। इसके अलावा दोस्तों इस फोन के फ्रंट पर आपको मिल जाती है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। और दोस्तों नोकिया 9 के हार्डवेयर की बात करें तो इसमें आपको चिपसेट मिल जाती है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 835, ऑक्टा कोर CPU और GPU मिलता है आपको इसमें एड्रेनो 540। दोस्तों इस फोन के सॉफ्टवेयर की बात करें तो आप इसमें एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड ओरियो यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर बात करें नोकिया 9 के रैम और इंटरनल स्टोरेज की, तो दोस्तों इस फोन में आपको इंटरनल स्टोरेज के दो ऑप्शन मिलते हैं, 128GB और 64GB, जबकि दोस्तों इस फोन की रैम जो है 4GB होगी। और दोस्तों नोकिया 9 एक डुअल सिम स्मार्टफोन होगा। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें मैक्रो एसडी कार्ड 256GB तक यूज कर पाएंगे। बात कर लेते हैं नोकिया 9 के कैमरास की। तो नोकिया 9 के बैक पर आपको 13MP के डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, और इन दोनों कैमरास के अपर्चर साइज 2.0 होगा। इसके अलावा इन दोनों कैमरास में कार्ल जीस ऑप्टिक्स यूज किए गए हैं। और इन कैमरास के दूसरे फीचर्स की बात करें तो ये दोनों कैमरास टच फोकस और ऑटो फोकस सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों कैमरास के साथ आपको मिल जाती है डुअल LED फ्लैशलाइट। और नोकिया 9 के फ्रंट पर आपको 13MP का एक सिंगल कैमरा मिल जाता है, जबकि इसके अपर्चर का साइज 2.0 होगा। और दोस्तों ये कैमरा टच फोकस और ऑटो फोकस सपोर्ट करता है। और दोस्तों नोकिया 9 के बैक या फ्रंट कैमरास के साथ आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 30fps की सेटिंग पर कर पाएंगे। और दोस्तों नोकिया 9 की बैटरी की बात करें तो आपको इस फोन में मिल जाती है 3500mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी। और दोस्तों ये फोन क्विक चार्ज भी सपोर्ट करता है। और दोस्तों नोकिया 9 के दूसरे फीचर्स की बात करें तो ये एक डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ सेट होगा। इसके अलावा दोस्तों इस फोन में आपको 3.5mm का हेडफोन जैक मिल जाता है। और दोस्तों आप इस फोन में ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई और GPS यूज कर पाएंगे। अब दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं नोकिया 9 की प्राइस और रिलीज डेट के बारे में। तो दोस्तों ये फोन 2017 के आखिर में लॉन्च होने जा रहा है, जबकि इसकी प्राइस जो है काफी ज्यादा होने वाली, क्योंकि ये नोकिया की एक फ्लैगशिप डिवाइस होगी। दोस्तों इस फोन की प्राइस तकरीबन 700 से $800 के बीच में होगी, जबकि पाकिस्तान और इंडिया में इसकी प्राइस 70 से 80 हजार रुपए के करीब होगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।